हेलो स्टूडेंट्स, जीडी कॉलेज से अजय सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकंड ईयर की जो बुक नॉलेज एंड करिकुलम है उसमें से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक पद्धति के मुख्य चरणों की व्याख्या करें। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है और इसमें कौन से चरण को शामिल किया जा सकता है, इस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धति तथ्यात्मक सत्य को जानने की एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया का नाम है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि वैज्ञानिक पद्धति किसी भी रिसर्च को करने के लिए एक व्यवस्थित क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है ना रिसर्च किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य सत्य को जानना है, पर इस लक्ष्य तक एकाएक नहीं पहुँचा जा सकता। इसका मकसद क्या होता है कि समस्या की जड़ तक जाके उसको समझा जा सके, लेकिन सीधे तौर पर इस तक नहीं पहुंचा जा सकता है। इसके लिए हमें कुछ आवश्यकताओं से गुजरना पड़ता है। ऐसा इसलिए है कि वैज्ञानिक पद्धति कोई मनमाने ढंग की विधि या अव्यवस्थित तरीका नहीं है। वैज्ञानिक अध्ययन में आरंभ से लेकर अंत तक अत्यंत व्यवस्थित ढंग से कार्य करना पड़ता है और अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से ये कार्य वैज्ञानिक पद्धति में अपनी रिसर्च में अपनी इन्वेंशन में अपनी खोज में किए हैं। कुछ विद्वानों के विचारों का उल्लेख हम यहाँ कर सकते हैं, इसकी परिभाषा इनके तहत दे सकते हैं। जैसा कि कालिंजर के अनुसार उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक पद्धति में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। उन्होंने कहा कि पहला जो उन्होंने एक पॉइंट बताया वो कहता है कि कठिनाई या समस्या की अनुभूति वैज्ञानिक पद्धति में होती है। सेकंड है, समस्या का स्पष्ट वर्णन होता है, परिकल्पनाओं का विकास होता है, तार्किक निगमन होता है, आंकड़ों का संकलन होता है, आंकड़ों का निर्वाचन होता है। तो ये सभी एलिमेंट्स तथ्य जो है वो साइंटिफिक मेथड जो वैज्ञानिक विधि होती है उसमें हमारे शामिल होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के चरणों को और भी स्पष्ट रूप से समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन तथ्यों या चरणों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करें या इसको अच्छी तरह से डिटेल्ड मैनर में जाके इनको समझें। तो पहला है समस्या का विश्लेषण। सबसे पहले किसी भी रिसर्च के लिए हमें समस्या सिलेक्ट करनी पड़ती है, प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी पड़ती है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है कि समाज के डायमेंशन में वो कहाँ तक लागू होती है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसको भविष्य में जो है ना ऐसी समस्या आ सकती है और उसके समाधान की हमें आवश्यकता हो सकती है। तो इसे सर्वप्रथम वैज्ञानिक चिंतन में समस्या का स्पष्टीकरण किया जाता है। समझने में जब समस्या होती है तो मस्तिष्क चकराता है, वह समस्या की चेतना की अवस्था होती है। दूसरा है समाधान सामग्री का सर्वेक्षण या साहित्य की समालोचना। अब जब हम कोई समस्या ले लेते हैं तो उसके समाधान के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, क्या क्या मैटर चाहिए होता है, वो मैटर हमें कहाँ से उठाना है, किस तरह का मैटर उठाना है, वो समस्या के समाधान के लिए डिसाइड करना बड़ा आवश्यक होता है। तीसरा हमारा पॉइंट इसमें अनुसंधान नमूने की संरचना सैम्पलिंग बड़ी ज़रूरी होती है कि मान लीजिए आप कोई भी समस्या आपने ली है तो जो एक वैश्विक समस्या हो सकती है तो पूरे विश्व में घूम घूम कर आप उसका समाधान तो नहीं कर सकते, इसलिए आपको जो कंसर्निंग फील्ड जो होते हैं समस्या के वहाँ से कुछ सैम्पलिंग आपको करनी होती है, कुछ समस्याओं का जो है ना सिलेक्शन वहाँ से आपको करना होता है और कुछ नमूनों का जो है ना संपादन वहाँ से करना होता है ताकि हम उन समस्याओं के आधार पर जो हमने अपनी प्रॉब्लम सिलेक्ट की है उसका समाधान कर सकें। जैसे कि हम अगर बाज़ार में जाते हैं और बाज़ार में कोई भी एक डज़न बनाना लेते हैं, केले लेते हैं, तो उसमें से हम पूरी दर्जन में से
एक केले को जो ना चेक करके देख सकते हैं सैम्पलिंग के तौर पे कि ये पूरी तरह से पका हुआ है या नहीं है, या ख़राब है या नहीं है। इन बातों का अंदाज़ा जो है ना हमें एक केले के माध्यम से ही आ जाता है। तो इस तरह जो चीज़ें होती हैं उसको सैम्पलिंग कहा जाता है कि समस्या के बहुत बड़े पार्ट में से किसी एक चीज़ को उठा के उसके आधार पर हम समस्या के समाधान को जो है ना उसके रास्ते को जो अपना लेते हैं उसे सैम्पलिंग हम कह सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है तथ्यों का निरीक्षण तथा संकलन। जो हमने तथ्य इकट्ठे किए, जो हमने डेटा इकट्ठा किए हैं उसका हमें निरीक्षण जरूर करना चाहिए, क्योंकि निरीक्षण करने से ही पता चलेगा कि जो भी डेटाज हमने इकट्ठे किए हैं क्या वो हमारी प्रॉब्लम से, हमारी समस्या से रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं, और कहाँ तक वो कारगर हो सकते हैं हमारी समस्या के समाधान के लिए। पांचवा है एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण। फिर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं डेटाज को कि जो डेटाज है वो किन किन ग्रुप्स कैटेगरी में बांटा जा सकता है और किस तरह से समय आने पर समस्या के लिए इसको जो ना लागू किया जा सकता है। सिक्स पॉइंट हमारा वैज्ञानिक सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन। इसके बाद हम जो भी नियम लागू करते हैं अपनी समस्या के लिए, समस्या समाधान के लिए, उसमें सामान्यीकरण का फैक्ट होना बड़ा ज़रूरी है कि वो जब भी भविष्य में कोई समस्या इस तरह की आए तो वो हमारा डाटा, वो हमारा सॉल्यूशन उस समस्या के ऊपर लागू हो सके, वो उसमें से ज़्यादा वेरी नहीं करें। और फिर इसके बाद हम नियमों का प्रतिपादन करते हैं, हम अपना नियम बनाते हैं कि पर्टिकुलर समस्या जब आती है तो उसके लिए पर्टिकुलर विधि को अपना के या इन फैक्टर को अपना के हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, अपनी रिसर्च को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये था हमारा वैज्ञानिक पद्धति में जो चरण होते हैं उसमें एक समस्या के समाधान के लिए किन किन फैक्टर्स का हम यूज कर सकते हैं और कैसे अपनी समस्या को सॉल्व करके एक नए नियम का प्रतिपादन कर सकते हैं। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।